India is the fifth largest economy in the world by nominal GDP and third largest by purchasing power. According to the World Bank, साल 2021 में इंडिया की GDP 3.1 trillion dollars थी। फिर क्या रीजन हो सकती है कि जब भी unemployment, poverty, illiteracy या इस तरह की कोई भी टर्म यूज की जाती है तो इंडिया का जिक्र लाजमी होता है। इसके पीछे दो बड़ी रीजन सुनने में आती हैं, जिनमें से एक रीजन है पॉपुलेशन। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को डील करना, यानी इन सबको एजुकेट करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इन सबको जॉब्स देना एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया दोनों की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के राउंड अबाउट है, बट चाइना की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि इंडिया से करीब 6 गुना ज्यादा है। और ये प्रूफ करता है कि सिर्फ पॉपुलेशन ही एक मसला नहीं है। इन हालात के पीछे जो सबसे बड़ी और मेन रीजन है वो है करप्शन। भारत भ्रष्टाचार के पैमाने में एशिया में नंबर वन बना हुआ है। But 2 years on, many Indians feel corruption is still deeply entrenched. Congress leader Rahul Gandhi appeared before the Enforcement Directorate in New Delhi for questioning in the National Hiran money laundering case. Corruption Bureau ने राजस्थान के तीन घूसखोरों की तिकड़ी को पकड़ा है, जिन्होंने 17 करोड़ रुपए के टेंडर के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। Cash amounting to rupees 1 crore was seized by the Anti-Corruption Bureau officials. Many of these contractors are now openly speaking out. Whatever happened to the Prime Minister's claim of na khaunga na khane dun? This is a corruption scandal. Kitna pehle dete the, ab kitna dete hain? Ab pehle 15, 20, 40 ka zyada ho gaya. सर छत्तीसगढ़ में भी आप मेरे ख्याल से हमें लैंड प्रोक्योर करने में हेल्प काफी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छत्तीसगढ़ में ना उत्तराखंड में, गुजरात में। ये गठजोड़ था पूंजीपतियों का, ठेकेदारों का और सरकार के मंत्रियों का, नेताओं का, जिसके कारण ये हादसा हुआ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने भी 1947 में करप्शन को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ब्राइबरी एंड करप्शन वर रैम्पेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन अनडिवाइडेड इंडिया। यानी सब कॉन्टिनेंट में करप्शन का कल्चर कोई 10-20 साल पुराना नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के दौर से चला आ रहा है। यहाँ पर अगर करप्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो करप्शन इज द अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन्स, यानी अपने फायदे के लिए अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना करप्शन है, जिसकी वजह से आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों की सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखी जा सकती है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर। अभी भी इंडिया और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी अथॉरिटी में बैठे कुछ लोगों की करप्शन के इफेक्ट अपनी रोज की जिंदगी में फेस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो इनका राफेल जेट की डील को लेकर काफी चर्चा रहा है। इसका ओवरव्यू देता चलूं आप सबको तो साल 2007 से निगोशिएशन चल रही थी इंडियन गवर्नमेंट की राफेल के 126 प्लेन्स को लेकर। ये फ्रांस के डसॉ एविएशन के मैन्युफैक्चर्ड प्लेन्स थे जो इंडिया खरीदना चाहता था। साल 2014 में ये डील हुई करीब 1,86,000 करोड़ इंडियन रुपीज में। फर्स्ट 18 प्लेन डसॉ एविएशन खुद मैन्युफैक्चर करके इंडिया को सप्लाई करेगी और रिमेनिंग 108 प्लेन डसॉ एविएशन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वन ऑफ द बेस्ट एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस कंपनी ऑफ इंडिया, वो इन बाकी के प्लेन्स को खुद इंडिया में बनाएगी। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी का कहना था कि इन जेट्स की लाइफ साइकिल को रीएग्जामिन करने में काफी वक्त चाहिए होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इस फिस्कल ईयर में साइन नहीं हो सकता। इसके बाद मई में इलेक्शन हुए और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए। साल 2015 में मोदी ने अनाउंस किया कि 126 की जगह सिर्फ 36 राफेल प्लेन्स के लिए निगोशिएशन की जाएगी। और फिर साल 2016 में फ्रांस और इंडिया के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ और करीब 59,000 करोड़ में डील हुई इन 36 राफेल प्लेन्स की 50% ऑफसेट क्लॉज के साथ। ऑफसेट क्लॉज यानी टोटल अमाउंट जो इंडिया फ्रांस को पे करेगा उसका 50% फ्रांस को वापस इंडिया में ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। मोदी की इस डील को लेकर बहुत से सवाल उठाए गए इंडियन पब्लिक और ऑपोजिशन की तरफ से, क्योंकि ये डील थ्रू प्रॉपर चैनल इंडियन नेगोशिएशन टीम के थ्रू नहीं की गई थी। द डिसीजन एंड द प्राइस टू बाय 36 एयरक्राफ्ट वाज नॉट डन बाय द इंडियन नेगोशिएशन टीम। इट वाज डन बाय अ पर्सन हु वाज नाइदर ऑथराइज्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी नॉर वाज ही अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेगोशिएशन टीम। दैट इज श्री अजीत डोवल। और इस डील के मुताबिक एक राफेल प्लेन के 1,635 करोड़ रुपए पे करना थे इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि करीब 2 गुना ज्यादा था प्रीवियस डील के, जिसमें एक प्लेन सिर्फ 746 करोड़ में पड़ रहा था इंडियन गवर्नमेंट को। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी ये कहना था कि 2.6 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ इस डील में इंडियन गवर्नमेंट को। इसके अलावा ऑफसेट क्लॉज की जो अमाउंट इन्वेस्ट की जानी थी इंडिया में, वो भी मोदी के करीबी दोस्त अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ डसॉ एविएशन की तरफ से एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया
सॉ रिलायंस एरोस्पेस और इस कंपनी में काफी पैसा इन्वेस्ट किया गया और यही चीज थी जिस पर ऑपोजिशन पार्टी ने काफी सवाल उठाए कि एक तो जो एक्चुअल अमाउंट थी उन प्लेन्स की उससे दो गुना ज्यादा पैसों में उन्हें खरीदा गया और अब जो इन्वेस्टमेंट आनी थी इंडिया में वो भी नेपोटिज्म का शिकार हुई। इंटरेस्टिंगली जूली गायट जो कि एक एक्ट्रेस है और वो उस टाइम के फ्रेंच प्रेसिडेंट होलैंड की बीवी थी, उनकी फिल्म टाउट ला हार्ट के लिए अंबानी की कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने 1.6 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की। ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सीधा सीधा लिंक करता है राफेल डील कंट्रोवर्सी से। उसके बाद पिटीशन फाइल की गई इस करप्शन को लेकर, लेकिन पाकिस्तान की तरह यहाँ भी कोई ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं देखने को मिली, जिसकी एक रिसेंट एग्जांपल पाकिस्तानी शरीफ फैमिली के केसेस हैं जो नैब में अमेंडमेंट करके खत्म कर दिए गए थे। इसी तरह नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सब पिटीशंस को डिसमिस करते हुए कहा कि राफेल डील में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। दोस्तों राफेल करप्शन केस पर अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री में कॉमनवेल्थ गेम्स, टेलगी, सत्याम और 2G स्पेक्ट्रम जैसे कई करप्शन केसेस देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो साल 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड इंडिया की एक डिटेल्ड स्टडी के अकॉर्डिंग 62% से ज्यादा लोगों को पब्लिक ऑफिसेज में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है वहां पर मौजूद ऑफिसर्स को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक एस्टिमेट के मुताबिक ट्रकर से एनुअली करीब 222 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती है, जिसको बाद में पुलिस और गवर्नमेंट रेगुलेटर्स डिवाइड करते हैं आपस में। साल 2007 में वर्ल्ड बैंक पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से दिल्ली का सफर 2 दिन तक कम किया जा सकता है अगर इन ट्रकर्स को रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से रिश्वत के लिए घंटों लंबी लाइनों में ना रोका जाए। और रिश्वत के साथ साथ इस डिले का डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी जाता है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो बहुत से म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर कई करप्शन केसेस देखे गए हैं इंडिया में कि वो इलीगली जमीन पर कब्जा करते हैं और इसे सेल कर देते हैं, मगर कोई सजा नहीं दी जाती इन करप्ट ऑफिसर्स को, क्योंकि बैक एंड पे इन्हें हाई अथॉरिटीज और पॉलिटिशियंस की भरपूर सपोर्ट होती है और बदले में उन्हें उनका पूरा शेयर दिया जाता है। इसी तरह 25 अगस्त 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें रूरल एरियाज में रहने वाले इंडियंस को ये गारंटी दी गई कि हर फैमिली के किसी एक मेंबर को एटलीस्ट 100 दिन काम दिया जाएगा। बट इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल बाद साल 2011 में इस एक्ट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला पब्लिक और ओपोजिशन की तरफ से, क्योंकि मोस्टली वर्कर्स को या तो पैसे ही नहीं मिले, जिनको मिले तो वो भी आटे में नमक के बराबर थे, और कुछ को तो 5 किलो के चावल के पैकेट्स देकर चुप करवा दिया गया। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैकेट्स किसी गवर्नमेंट इंप्लाई या पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं बल्कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से दिए गए थे। इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस स्कीम के इवैल्यूएशन के ऑर्डर्स जारी किए तो पता चला कि साल 2017 से 2021 के बीच करीब 1000 करोड़ की करप्शन हो चुकी है इस स्कीम में। यानी कि कोई भी स्कीम, चाहे वो हाउसिंग से रिलेटेड हो, पॉवर्टी से या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर करप्शन देखी गई है। गरीब के पास कुछ पहुंचने से पहले सब करप्ट इंडियन पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये करप्शन सिर्फ गरीब तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि कुछ माफियाज तो गवर्नमेंट को भी डॉज कर रहे हैं। जैसे साल 2011 इंडिया में आयरन और माइनिंग स्कैंडल काफी हाइप पर था, जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ कर्नाटका असेंबली जनार्दन रेड्डी को करप्शन और इलीगल माइनिंग ऑफ आयरन ओर के केस में अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने पहले तो इलीगल आयरन माइनिंग की, उसके बाद $1 बिलियन वर्थ आयरन चाइना को एक्सपोर्ट किया विदाउट पेइंग एनी टैक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, और करीब 10 साल हो गए इस केस को मगर अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया गया कोर्ट की तरफ से। इसी तरह हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था और इसमें 2.5 लाख करोड़ खर्च किया गया और इसमें भी करीब 1 लाख करोड़ तक करप्शन का इल्जाम है। इंडियन डिफेंस की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट का ये कहना है कि साल 2013 से 2021 के बीच इंडियन एयरफोर्स पर 29 करप्शन केसेस, नेवी पर 5 और इंडियन आर्मी पर 1046 करप्शन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यानी साल 2013 से 2021 तक कुल मिला के 1080 करप्शन केसेस फाइल किए गए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस पर। इस वीडियो को समराइज करें तो टू अ लार्ज एक्सटेंट कोई ऐसा सेक्टर नहीं है इंडिया में जहां पर करप्शन ना देखी गई हो, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी सेक्टर्स, जिन्हें KPMG की स्टडी में लीस्ट करप्ट सेक्टर्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। ओवरऑल केसेस की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया CBI की तरफ से 6700 करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, और इंटरेस्टिंगली इनमें से कुछ केसेस 20 और बहुत से केसेस 10 साल पुराने हैं जिनका डिसीजन अभी तक इंडियन कोर्ट्स की तरफ से पेंडिंग है। इंडिया में इस करप्शन को खत्म करने के लिए लोकपाल, एंटी करप्शन पुलिस एंड कोर्ट्स, राइट टू पब्लिक सर्विस लॉ और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन करप्शन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं देखी गई। यही वजह है कि इंडिया आज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th आउट ऑफ 180 कंट्रीज में रैंक किया जाता है। यहाँ पर पोप फ्रांसिस की एक फेमस सेइंग मेंशन करना जरूरी है, जिसमें वो कहते हैं कि करप्शन इज पेड बाय द पुअर, यानी गवर्नमेंट में बैठे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन को इंडियन पब्लिक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या इनइक्वालिटी की सूरत में फेस कर रही है। और इंटरेस्टिंगली इस करप्शन पर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक तरह का रूल ऑफ लॉ है जिसमें किसी टॉपिक के अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए पिटीशन
फाइल की जाती है। इस करप्शन के अगेंस्ट ये PIL पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन 2 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टेट्स को कुछ डायरेक्शन देगी या फिर कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो कि करप्शन के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लेगी, मगर अफसोस जब मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जिसके पास सारी अकाउंटेबिलिटी पावर्स हैं वही करप्शन के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स नहीं लेगी तो फिर उस मुल्क में करप्शन कैसे खत्म हो सकती है। अब यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंडियन मीडिया पर कि वो लोगों को एजुकेट करे करप्शन के खिलाफ ताकि करप्शन को सोसाइटी में एक तरह का स्टिग्मा बनाकर खत्म किया जा सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।